सो दोस्तों, यदि आप अपने लैपटॉप में विंडोज़ 10 का इस्तेमाल करते हो और आपका लैपटॉप हैंग होता है, काफ़ी स्लो चलता है या कोई वायरस अटैक हो जाती है या कोई सिस्टम की फाइल करप्ट हो जाती है, तो ऐसे में हम सोचते हैं अपने विंडोज़ को रीसेट कर ले जिससे उसमें एक नया विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने लैपटॉप को रीसेट करने जाते हो और आपके लैपटॉप में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सारी लॉस्ट हो जाती है। आपने बहुत सारे एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन भी लेके रखा होगा, सब कुछ लॉस्ट हो जाता है नॉर्मल रीसेट से। लेकिन आज की वीडियो में इसी चीज़ का सोल्यूशन लेके आ गया हूँ कि आप अपने लैपटॉप को कैसे रीसेट कर सकते हो बिना कोई फाइल और एप्लीकेशन को लॉस्ट किए। मतलब जितने भी फाइल्स और एप्लीकेशन हैं आपके लैपटॉप में वो सब वैसे ही रहेंगे, कोई भी एप्लीकेशन आपका रिमूव नहीं होगा, कुछ भी आपके लैपटॉप से रिमूव नहीं होगा, सब कुछ वैसा का वैसा रह जाएगा। लेकिन आपके लैपटॉप में एक नया विंडोज 10 फिर से इंस्टॉल हो जाएगा और आपका लैपटॉप फिर से नया जैसा हो जाएगा। सो गाइस, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। यार, विंडोज़ को रीसेट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे आप स्टार्ट मेन्यू पे आते हो, स्टार्ट मेन्यू पे आने के बाद गाइस आप सेटिंग पे क्लिक करते हो, ये जो सेटिंग का आइकन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करते हो। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करते हो तो आप जाते हो विंडोज़ एंड सिक्योरिटी पे। विंडोज़ एंड सिक्योरिटी पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे रिकवरी का एक ऑप्शन दिखता है, थोड़ा सा लोड लेता है और आ जाता है आपके सामने ये रिकवरी का ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है रीसेट दिस पीसी का एक ऑप्शन। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गेट स्टार्ट का एक ऑप्शन है, इस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये क्या है, कीप माई फाइल, लेकिन रिमूव एप्स एंड सेटिंग बट कीप्स योर फाइल, यानी यहाँ से जितने भी एप्लीकेशन है वो आपके रिमूव हो जाएंगे बट आपकी सेटिंग रहेगी। और सेकेंड ऑप्शन है रिमूव एवरीथिंग, यानी कि यहाँ से सारा कुछ रिमूव हो जाएगा, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आप अपने एप्लीकेशन को रख सकते हो। तो इस तरीका से तो मैं अपने लैपटॉप को कभी भी रीसेट नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं आपको सेकेंड तरीका क्या है और उससे कैसे आप अपने लैपटॉप को रीसेट कर सकते हो। सो यार, सेकेंड तरीका के बारे में मैंने जैसा कि वीडियो के इंट्रो में ही बता दिया था, आप अपने सारे एप्लीकेशन को रख सकते हो, जितने भी फाइल्स हैं वो आपके वैसे रहेंगे बट आपके लैपटॉप में नया विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए उसको आप जानते हैं वो तरीका क्या है। सो यार, मैं यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करता हूँ और इस पेज को कट कर लेता हूँ। तो यार, मैंने यहाँ से इस पेज को कट कर लिया। उसके बाद आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक सर्च बार दिख रहा है, वहाँ पे आपको टाइप करना है विंडोज़ 10 मीडिया क्रिएशन टूल। आप जैसे गाइस विंडोज़ 10 मीडिया क्रिएशन टूल लिखोगे उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करो गाइस ये ऑटोमेटिक आपके लैपटॉप में सर्च हो जाता है। सर्च होने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ही नंबर पे इसकी वेबसाइट आ जाती है, डाउनलोड विंडोज़ 10 डिस्क इमेज। आपको इस पर सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, देन आपको आ जाना है क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया पे। यहाँ पे गाइस आपको डाउनलोड टूल नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपल सा उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे गाइस आपके सामने थोड़ी ही देर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और यह फाइल गाइस आपके साथ लैपटॉप में डाउनलोड हो जाती है। एक एप्लीकेशन है विंडोज 10 मीडिया क्रिएशन टूल का, जहाँ से आप डिस्क इमेज को क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल सा आपको इसको शो इन फोल्डर पर क्लिक करना है। जैसे आप शो इन फोल्डर पर क्लिक करोगे तो ये आपका जहाँ डाउनलोड हुआ था वहाँ पर आपको दिखाएगा। तो आपको सिंपल सा इस पर राइट क्लिक करना, देन आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ थोड़ा सा लोड लेगा, ये कुछ परमिशन मांग रहा है गाइस, आपको यहाँ पे अलाउ कर देना। जैसे आप इसको अलाउ कर दोगे तो आपके सामने विंडोज़ लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद गाइस आपके सामने विंडोज़ 10 का सेटअप फाइल रन हो जाएगा। जैसे विंडोज़ 10 का सेटअप फाइल रन हो जाए तो आपको इन सबको कट कर लेना, इन सबका कोई भी काम नहीं है। इन सबको कट करने के बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद गाइस इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना। जैसे आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे थोड़ा सा लोड लेगा, उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आ चुके हैं, तो गाइस आपको यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। उसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, यहाँ पे गाइस आपको अनटिक कर लेना। उसके बाद आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। नॉर्मली सब इंग्लिश में इंस्टॉल करता है, मैंने इंग्लिश में ही रहने दिया। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे अपना बिट सेलेक्ट कर लेना है, 32 बिट या 64 बिट। मेरा 64 बिट है, मैंने 64 बिट रहने दिया। उसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे गाइस आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पे आपको आईएसओ फाइल सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस आपसे ये लोकेशन पे मांगेगा कि कहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेना। नॉर्मली सब डेस्कटॉप पे रखना मतलब काफ़ी आसान होता है ढूंढना, तो मैं डेस्कटॉप पे ही रहने दूंगा। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको सेव कर लेना। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये जो सेटअप फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है और आपका जो आईएसओ है वो आपके डेस्कटॉप में जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ये 1% डाउनलोड भी हो चुका है, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा इस विंडोज़ 10 नाम की एक फाइल है, यही मेरा आईएसओ जो मैंने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल भी कट नहीं करना, आपको पूरा डाउनलोड होने देना है। जैसे आपके लैपटॉप में ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको विंडोज़ 10 का एक मतलब आईएसओ दिखेगा या सिर्फ विंडोज़ लिखा हुआ रहेगा।
उसके बाद गाइस आपको इस आईएसओ पे आ जाना है। आईएसओ पे आने के बाद गाइस आपको इस पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये फाइल मैनेजर पे ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मेरा जो ये फाइल में ओपन हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बीच पे ला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस नीचे जो है आपको एक सेटअप फाइल का ऑप्शन दिखता है। आपको इस पे सिंपल सा डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा। आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे विंडोज़ लिखा हुआ आ रहा है और ये जो है इंस्टॉल होने के लिए प्रीपेड हो रहा है। तो गाइस आपको इसको 100% होने देना है। जैसे ये 100% हो जाए तो आपका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। मैं थोड़ा वीडियो फास्ट कर देता हूँ क्योंकि ये टाइम लगाता है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल विंडोज 10 लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे गाइस ये टिक कर लेना है इसको, आई वांट टू हेल्प। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये गेटिंग अपडेट कुछ लिखा हुआ आता है यहाँ पे, तो इसको आपको लोड लेने देना है। उसके बाद गाइस ये रिस्टार्टिंग विंडोज 10 सेटअप, यानी आपका जो सेटअप है वो कट होगा फिर से रिस्टार्ट होगा। तो गाइस आपको इसको रिस्टार्ट होने देना। ये यहाँ पे गाइस देख सकते हो रिस्टार्ट भी हो चुका है। उसके बाद गाइस कुछ लाइसेंस आ गए, आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। कुछ टर्म्स हैं इसके, आपको इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो उसके बाद गाइस ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है, कुछ अपडेट है। उसके बाद लिखा आ रहा है मेकिंग श्योर यू पीसी हैव इनफ स्पेस, तो आपको इस चीज़ को लोड होने देना है। जैसे गाइस ये लोड हो जाए तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, इंस्टॉल विंडोज 10 की पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो ऐप का ऑप्शन है वो लिखा हुआ साफ साफ आ रहा है कि आपके जितने भी ऐप्स हैं वो आपके इंस्टॉल होने वाले हैं। लेकिन यदि आप पहले वाले ऑप्शन पे देखो तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सिर्फ था कीप माई फाइल और आपका जो रिमूव ऐप है एंड सेटिंग आपका रहेगा और पर्सनल फाइल रहेगा। मतलब आपके ऐप नहीं रहेंगे, पर्सनल फाइल और सेटिंग्स रहेंगे। बट यहाँ पे आपको अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको एप्स का भी ऑप्शन मिलता है। उसके बाद गाइस आपको इंस्टॉल पे सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे अब कैमरा पे कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी देर में मेरा जो पीसी है वो रिस्टार्ट होगा, जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग लॉस्ट हो सकती है। तो मैंने अपने वीडियो रिकॉर्डिंग को कैमरा पे ला दिया और ये गाइस कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गाइस ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, इसको आपको 100% तक होने देना है। ये थोड़ा टाइम लगा सकता है गाइस क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप कितना स्पेस है, कितने एप्लीकेशन डाउनलोड हुए, ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है आपने कितना दिन से अपडेट भी नहीं किया है। उसके बाद गाइस जैसे ये 100% हो जाए उस पर भी लिखा हुआ आएगा योर पीसी विल रीस्टार्ट अ फ्यू मोमेंट। उसके बाद गाइस आपका लैपटॉप जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा लोड होने देना जब तक कि ये रीस्टार्ट ना हो जाए। मैं वीडियो फास्ट करके दिखा रहा हूँ, यदि आप अपने लैपटॉप में करोगे तो ये काफ़ी टाइम लगा सकता है। उसके बाद गाइस ये रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वर्किंग ऑन अपडेट कुछ लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपने लैपटॉप को कभी भी स्विच ऑफ होने नहीं देना है। आपको अपना चार्जर कनेक्ट कर लेना है क्योंकि यदि स्विच ऑफ हो गया तो आपका जितने भी मेहनत किया था वो सब बर्बाद हो जाएगा, आपको फिर से यही स्टेप करना पड़ेगा। तो आपको अपने लैपटॉप को स्विच ऑफ नहीं होने देना है। उसके बाद गाइस वर्किंग ऑन अपडेट आपका 100% जैसे हो जाए तो आपके सामने जो आपका लैपटॉप है वो रिस्टार्ट हो जाता है। तो गाइस ये 100% हो चुका है और थोड़ा सा लोड ले रहा था, आपको इसको थोड़ा सा लोड होने देना है। मैंने वीडियो गाइस काफ़ी फास्ट किया है, आपका जो है ये काफ़ी टाइम लगाने वाला, 3 से 4 घंटा कम से कम लगा देगा। उसके बाद गाइस जैसे 100% हो जाएगा तो आपका जो लैपटॉप है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपका ये जो लैपटॉप है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे गाइस आपको अपना पासवर्ड इंटर करके इसको अनलॉक कर लेना है। तो गाइस मैं यहाँ से अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ, उसके बाद अनलॉक कर लेता हूँ। यदि आपका पासवर्ड नहीं है तो डायरेक्टली अनलॉक हो जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो लैपटॉप है वो अनलॉक हो रहा है, थोड़ा सा लोड ले रहा गाइस। उसके बाद यहाँ पे लिखा आ रहा दिस माइट टेक। उसके बाद गाइस दिस अपडेट हैज़ प्रोटेक्ट यू, पढ़ने भी नहीं देता यार ये तो। उसके बाद गाइस आपका लैपटॉप ओपन हो जाएगा। लैपटॉप ओपन होने के बाद गाइस आपको अपने सेटिंग पे जाना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस जितने भी एप्लीकेशन है वो वैसे के वैसे हैं। उसके बाद गाइस आपको अपने स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करना, देन आपको सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे जाने के बाद आपको सिस्टम पे क्लिक करना। जैसे आप सिस्टम पे क्लिक करते हैं आपके सामने पीसी की कुछ डिटेल्स आ जाती है, थोड़ा लोड लेगा। उसके बाद गाइस ये पीसी की कुछ डिटेल्स आ चुकी है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, देन आपको जाना है इंस्टॉल्ड ऑन पे। यहाँ पे गाइस आप अगर देखोगे तो यहाँ पे डेट दिखा रहा है 7/3/2022 का, ये आप देख सकते हो 7/3/2022 दिखा हुआ है जो आज का डेट है। यदि आप मेरे डेस्कटॉप के कॉर्नर पर देखोगे तो यहाँ पर जो टाइम दिखा था यहाँ पर भी 7/3/2022 है और इंस्टॉल्ड ऑन में भी दिखा रहा है 7/3/2022 है। यानी मेरा जो लैपटॉप का विंडोज है वो आज ही के दिन इंस्टॉल हुआ है। इसका मतलब है गाइस आपका लैपटॉप रीसेट हो चुका है और आज ही के दिन आपका लैपटॉप में विंडोज 10 इंस्टॉल हुआ है। यानी आपका जो फ्रेश विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन था वो हो गया और आपने कोई भी फाइल को लॉस्ट नहीं किया, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो आपका लॉस्ट नहीं हुआ और आपका विंडोज 10 नया इंस्टॉल हो गया है। तो गाइस इस तरह आप अपने विंडोज 10 को रीसेट कर सकते हो बिना कोई एप्लीकेशन और फाइल को लॉस्ट किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।